खेसारी लाल यादव का कल दिल्ली में स्टेज शो था। अब आप आइए कुछ बातें उसकी हो जाती हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव का ये स्टेज शो कई मायने में खास था। यहाँ भोजपुरी की कई बड़ी हस्तियों ने अपनी शिरकत की, जैसे समर सिंह उभरते हुए कलाकार हैं, लोग इन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। खेसारी लाल यादव ने तो भाई कमान ही संभाली हुई थी, साथ ही साथ स्मृति सिन्हा, पूनम दुबे जैसे कई ऐसे स्टार थे जिन्होंने इस रात को काफ़ी रंगीन बना दिया। लेकिन इस रात में क्या खास बात हुई, आइए हम आपको बताते हैं। पहले तो खेसारी लाल यादव बड़े ही लाव लश्कर के साथ, यानी कि बॉडीगार्ड से घिरे हुए खेसारी लाल यादव एंट्री मारते हैं, स्टेज पर जाते हैं और खेसारी ये बताते हैं कि जिन लोगों को ये लगता है कि वो बिग बॉस नहीं जीते हैं, उनके लिए हम ये बता दें कि वो जनता का दिल जीत कर आए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ खेसारी लाल यादव को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और सिद्धार्थ शुक्ला को भी खेसारी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब खेसारी लाल यादव नॉमिनेट होते हैं तब सिद्धार्थ शुक्ला सबसे ज़्यादा रोते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा दुख खेसारी लाल यादव के जाने का सिद्धार्थ शुक्ला को ही होता है। इसका उदाहरण देते हुए खेसारी ये कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के दिल में भी अपने लिए प्यार जगा दिया, जो सिद्धार्थ शुक्ला उनके बुलाए पर भी नहीं बोलते थे। खेसारी उन्हें कई बार टोकते, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का एटीट्यूड ही ऐसा था कि वो उस खेसारी से बात नहीं करते। लेकिन जब खेसारी जाने लगे घर छोड़कर, तब सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी देर तक अपने सर पर हाथ रखे रह गए और ये सोचने लगे कि उन्होंने खेसारी को नॉमिनेट ही क्यों किया, क्योंकि खेसारी से धीरे धीरे ही सही लेकिन सिद्धार्थ की दोस्ती होने लगी थी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।